सो हेलो बीएलसीएंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज फिर से हम लोग बात करने आ चुके हैं और वो बात हमारी ये है कि पिछले टर्न में हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हम बना रहे थे और देखे थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई वस्तु को रखते हैं, मतलब कि अगर कोई वस्तु, कोई भी बिंब, कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मतलब कि वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तो अवतल दर्पण द्वारा इमेज कहाँ बनेगा, इस चीज को हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, तीन कॉन्सेप्ट हो गए थे, चौथा हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो। आइए देखते हैं कि यदि अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण द्वारा बात चल रही है, तो ये रहा मेरा अवतल दर्पण और इस अवतल दर्पण की बात चल रही होती है, तो अवतल दर्पण को तब तक अवतल दर्पण नहीं बोलेंगे जब तक ये मुख्य अक्ष पर न रखा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अवतल दर्पण पहले भी अवतल दर्पण होगा, मुख्य अक्ष इसलिए होता है बाबू क्योंकि वहां पर हम स्पेसिफाई कर पाते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, फोकस बिंदु मेरा ये हो गया। अगर यदि हम बोलें कि मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, यदि ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है किसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यदि रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा अच्छा बना दिया जाए। ये देखो ऑब्जेक्ट मुंडी है, ये इसका पैर है और इसका हाथ हो गया, ये देखो स्थित है ये, ठीक है। अब देखो ये इसका अगर रे डायग्राम की बात की जाए, तो रे डायग्राम एक सीधे गया, हमने कहा था जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई रे डायग्राम जाती है या प्रकाश किरण जाती है तो फोकस से निकल जाती है, देखो फोकस से निकल गई। अगर इसकी अगर बात की जाए, तो ये देखो ये कोण आई हो जाएगा और ये कोण आर हो जाएगा। और दूसरी बात अगर बात की जाए, तो देखो ये दूसरी बात कि अगर हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी जो प्रकाश किरणें जाएंगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये देखिए ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इस प्रकाश किरणों को ऐसे। तो हमने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो प्रकाश किरण निकलती है बाबू, वो क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही रूट पकड़ के रिटर्न आ जाती है। ये देखो ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर गई और रिटर्न आ गई, ये आगे कहीं मर्ज हो जाएगा, देखो ये कहीं जुड़ गया, जुड़ने पर देखा जाए तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहीं यहां पर हो रहा है, ये देखिए ये यहां पर इमेज का बनना हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट मेरा था ए बी और इमेज का बनना हुआ ए डैश बी डैश, तो ये जो बना इसको बोलेंगे हम इमेज, क्या बोलेंगे बाबू, इमेज। तो अब इमेज के बारे में कुछ बातें बात कर ली जाए, तो हम लिखेंगे इमेज के बारे में यदि हम कुछ बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन, क्या बात करेंगे, पोजीशन। तो पोजीशन बात की जाए, तो पोजीशन क्या है इसकी, तो बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। दूसरा अगर बात करें नेचर, तो नेचर क्या है, नेचर इन्वर्टेड उल्टा, तो लिखेंगे उल्टा, और कैसा है, रियल, क्या है, रियल। जब उल्टा इमेज बनेगा तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक। साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा, साइज कैसा बना बाबू, ऑब्जेक्ट से बड़ा, कोई दिक्कत है यहां पर। बड़ी मजेदार चीज है, अगर आपको देखने को अच्छे से अगर आप समझ पा रहे हो तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि हमने कहा कि प्रकाश किरण ये गई और जिस रास्ते से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती हैं उसी रास्ते वही पथ पकड़े रिटर्न आ जाती हैं। ये देखिए ये यहां से गया और ये इधर निकल के आया, दोनों प्रकाश किरणें मर्ज हुई तो वहां इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे दिख रहा है ये। नेचर क्या है, उल्टा और रियल। साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ये छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे।
ये मेरा चौथा पॉइंट था। अब पांचवा पॉइंट अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठा के रख दिया जाए, किस पे, फोकस पे रखा जाए। यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर जाएगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लिख दें, यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर स्थित हो तो, हम यहां बस इतना ही मिटा रहे हैं, यदि ऑब्जेक्ट, और ये पूरा हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमको फिर से डायग्राम करनी पड़ेंगी चीजें, तो डायग्रामेटिक चीजें तो पूरी मिटानी पड़ेंगी और आपको समझना है ये चीज ध्यान से। तो अगर हम बात करें यहां पर, कहें कि यदि इस ऑब्जेक्ट फोकस पर स्थित हो तो इमेज कहां बनेगा, तो आइए देखते हैं। ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। यदि हम फोकस पर रख दें वस्तु, कहां रख दें बाबू, फोकस पर, वस्तु अगर फोकस पर स्थित हो तो जब फोकस पर स्थित होगा तो प्रकाश किरणें पैरेलल एक गई, और जब पैरेलल जाएंगी तो ये हम पढ़ चुके हैं कि फोकस से होकर रिटर्न आएंगी, निकलेंगी। तो देखो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो ये किससे निकलती हैं, फोकस से होते हुए निकलती हैं। ये देखिए फोकस से होते हुए निकल गई। और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जा रही हैं, इनको पूरा डायग्राम सेट कर दिया जाए। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गई प्रकाश किरणें, ये जा रही हैं, यही पथ पकड़ के रिटर्न आ जाएंगे। तो जो इमेज का बनना होगा, इमेज कहां बनेगा, अनंत पर, कहां बनेगा, अनंत पर। इमेज ये लाइन जो मैच करेंगे ये कहीं अनंत पर जाके मैच करेंगी, अर्थात यहां मैच नहीं करेंगे। तो हम इमेज के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे पहली बात कि पोजिशन कहां होगा इसका, यदि अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इमेज कहां बनेगा, इमेज कहां बनता है, अनंत पर, तो लिखेंगे अनंत पर। इमेज कहां बनेगा वो, अनंत पर। दूसरी बात अगर बोली जाए कि इसकी नेचर कैसी होगी, तो नेचर दिख रहा है कि जो इमेज बनना है वो नीचे ही बनना है, उल्टा बनना है ऑब्जेक्ट के, तो लिखेंगे उल्टा, और कैसा हो जाएगा, वास्तविक, कोई दिक्कत नहीं है, रियल। अच्छा साइज कैसा होगा, साइज तो हम बोलेंगे वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, क्या कोई दिक्कत है इसमें। तो हमने कहा यदि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल रीजन हो गया, तो हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर स्थित हो जाए तो इसका जो इमेज बनता है वो अनंत पर बनता है, नेचर कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो ये रहा आपका पांचवा पॉइंट, ये चौथा नहीं था बाबू, ये पांचवा था, इसको मिटा के पांचवा कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब छठी बात ये कही जा रही है कि ऑब्जेक्ट को उठा के पोल और फोकस के बीच में कर दिया जाए। तो अगर हम लिखें, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डाउट लग रहा हो तो व्हाट्सअप का लिंक आपको मिला हुआ है, व्हाट्सअप लिंक को फॉलो कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो वहाँ पर आप पर्सनली, आपके पास मेरा जो व्हाट्सअप नंबर हो या इंस्टा आईडी हो तो इंस्टा पे आप मैसेज करके पर्सनली आप बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर भी इसको मिटा दें, ठीक है। अगर आपको ई बुक चाहिए तो ई बुक इसका अवेलेबल कराया जा सकता है पीडीएफ फॉर्म में, कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि सर इसका ई बुक दे दीजिए, तो आप जब कमेंट करेंगे तो पीडीएफ इसका आपको उसके नीचे अटैच कर दिया जाएगा, आपके कमेंट के नीचे, ध्यान रखिएगा। ये रहा पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट में क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं बाबू कि यदि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाए, के बीच स्थित हो, यदि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच स्थित हो, तो देखिए अगर हम बात करें तो ये रहा मेरे पास अवतल दर्पण, जो कि बहुत शानदार अवतल दर्पण मेरे पास यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। इसको इक्वल हाफ में बांट दिया, किसके द्वारा, प्रिंसिपल एक्सिस से, और जहां से हमारा इक्वल हाफ में बटा वही रीजन हो गया पोल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पोल से हम यहाँ पे बांट दिए तो हमने कहा कि चलो यहां पर मेरा फोकस होगा और यहां पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये देखो ये रख दिया जाए इसको, और ये फोकस से
जा रही हो और फोकस से ये आगे बढ़ गई हो, यहाँ से टकरा के निकल जाएगा हालांकि, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो लाइट, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो लाइट यहाँ पर कहीं जाकर, यहाँ पर कहीं जाकर ये दोनों मर्ज कर जाएंगे, तो इसका इमेज जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। देखिए ध्यान से, हमने कहा एक प्रकाश किरण मेरी फोकस से गई और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो जो प्रकाश किरणें फोकस से गई वो तो टकरा के रिटर्न आ गई, लेकिन उसके कुछ अंश अंदर गए। ये सिर्फ हमारा किस में होता है, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट स्थित होता है तब। और दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वही से रिटर्न आती थी, लेकिन कुछ आभासी किरणें इन दोनों को जाके यहां पर टच की। तो जो यहां पर इमेज बना, अगर ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इमेज बना ए डैश बी डैश। तो अगर हम बात करें इमेज के बारे में, तो सुनिएगा थोड़ा, देखिएगा इमेज, और इमेज का पोजीशन देखिएगा, तो पोजीशन सबसे पहले दिखेगा मिरर के पीछे। पोजीशन क्या हो जाएगा बाबू, मिरर के पीछे। इमेज पोजीशन कहां बना, मिरर के पीछे। दूसरा, अगर हम बात करें नेचर, इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रवृत्ति कैसी होगी नेचर, तो नेचर में देखिएगा ये हो जाएगा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब खड़ा, तो हम लिख देंगे इरेक्ट। एंड वर्चुअल, जब इमेज ऑब्जेक्ट के समान साइज में उसी दिशा में बनता है तो हमेशा इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। अच्छा, यहां पर साइज की बात की जाए तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा, क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट से बड़ा, कोई दिक्कत है। अच्छा, इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज डॉक्टर करते हैं, डेंटिस्ट करते हैं, कौन, डेंटिस्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा देखना हो तो इसको, इस अवतल दर्पण का उपयोग और ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख के किया जाता है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें। तो ये 6 पॉइंट था, और ये 6 पॉइंट से हम अवतल दर्पण द्वारा इमेज का बनना समझ लिए, और कहां कहां अवतल दर्पण के किस अक्ष पर कहां हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, ये पूरा क्लियरली हमने देख लिया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कुछ भी चीजें से रिलेटेड, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी डाउट हो, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।